नमस्कार दोस्तों, आप सी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दो रंग का ये खूबसूरत सा जूता बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बनके तैयार होता है और दोनों पैर का एक ही जैसे बनाया जाता है। देखिए कितना फिट आया है। इसे बनाने के लिए मैंने 55 फंदे सिलाई में डाले हैं और एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा का 6 लाइन का बॉर्डर बना लिया है। और अब ये 7वां लाइन है और इसमें मैं दूसरे रंग का ऊन लगाऊंगी। दूसरे रंग के ऊन से 27 फंदा यानी 27 स्टिचेस सीधे बुन लेंगे। सत्ताईस फंदा सीधा बुन लिया गया है और इधर 28 फंदा है, तो 28वें फंदे में हम 10 फंदा बनाएंगे। एक सीधा फंदा बनाया, उसके बाद इसे इसी में जो हमने बुना है उसमें एक सीधा फंदा बनाएंगे। अब फिर नीचे वाला जिससे बुना गया था वो उठाएंगे और उसमें एक और फंदा बनाएंगे। फिर इसको छोड़ के वापस बुने हुए फंदे में एक और सीधा फंदा, फिर नीचे वाला फंदा उठाएंगे और इसमें एक और फंदा। अब इसको छोड़ देंगे और बुने हुए फंदे में एक और फंदा बनाएंगे। तीन, इसको उठाएंगे, फिर इसी में एक फंदा बनाएंगे। अब बुने हुए फंदे को उतारेंगे और फिर से इसमें एक फंदा बनाएंगे। चार, जो 28वां फंदा है उसको उठाएंगे और उसमें एक और फंदा ऐसे बनाएंगे, फिर इसको छोड़ दिया और फिर बुने हुए फंदे में एक बार सीधा बुन लिया। फिर 28वें फंदे को उठाएंगे और इसमें एक और सीधा फंदा बनाएंगे और फिर बुने हुए फंदे को उतारेंगे और इस बुने हुए फंदे से एक और सीधा फंदा बनाएंगे। इसी तरह करके हमें टोटल 10 फंदे बनाने हैं। और ये 10वां फंदा हो गया। 10 फंदा होने के बाद अब इधर के फंदे जो हैं वो नॉर्मली सीधा बुन लेंगे। आठवीं लाइन और रॉन्ग साइड ऐसे पर्ल वाइज डालेंगे और इसको दूसरी तरफ कर लेंगे और 27 फंदे हमको सीधे बुनने हैं। ये पहला फंदा हो गया और 26 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। और अब ये बीच के 10 फंदे हैं, इसे हम उल्टा बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10 और किनारे के 27 फंदे हम सीधा बुनेंगे। नाइन्थ रो और फ्रंट साइड ऐसे पर्ल वाइज डालेंगे और उन दूसरी तरफ कर लेंगे और पूरी लाइन सीधा बुन लेंगे। टेंथ रो और रॉन्ग साइड किनारे के 27 फंदे सीधा बुनेंगे। दोनों साइड के 27-27 फंदे सीधा बुनेंगे और बीच के 10 फंदे हम उल्टा बुनेंगे। पहले फंदे को ऐसे पर्ल वाइज डाला और उसके बाद 26 फंदे सीधा बुनेंगे। और बीच के ये 10 फंदे जो एक फंदे से 10 फंदा किया गया है उसे हम उल्टा बुनेंगे।
और दूसरी साइड के भी 27 फंदे हम सीधा बुनेंगे। और अब चार लाइन हम अपने पहले रंग के ऊन से बनाएंगे और सभी फंदे सीधे बनाएंगे, यानी 11वीं लाइन में सभी फंदे सीधे, 12वीं लाइन में सभी फंदे उल्टे, 13वीं लाइन में सभी फंदे सीधे और 14वीं लाइन में सभी फंदे उल्टे। इस तरह हम चार लाइन अपने पहले रंग के ऊन से चार लाइन प्लेन बनाएंगे। पंद्रहवीं लाइन और फ्रंट साइड काले रंग के ऊन से 27 फंदे सीधे बना लेंगे। सत्ताईस फंदे सीधे बना लिए गए हैं और अब इन 10 फंदों से हम एक फंदे से दो बनाएंगे। पहले सीधा बुनेंगे, फिर इसी फंदे में ऐसे बैक साइड से एक और सीधा फंदा बना लेंगे। सीधा बनाया, फिर इसी फंदे में ऐसे बैक साइड से सिलाई डाल के एक और सीधा फंदा बनाएंगे। इस तरह हम 10 फंदों से 20 फंदा कर लेंगे। एक बार ऐसे सीधा बनाएंगे, फिर इसको हमको गिराना नहीं है और इसी में ऐसे बैक साइड से सिलाई डालेंगे और एक और सीधा फंदा बनाएंगे। सीधा एक फंदा बनाया, फिर इसको बिना गिराया इसी में ऐसे बैक से ऐसे सिलाई डालेंगे और एक और सीधा फंदा बना लेंगे। इसी तरह करते हुए हम 10 फंदे से 20 फंदा बना लेंगे। और लास्ट के 27 फंदे हम सीधा बनाएंगे। सोलहवीं लाइन और रॉन्ग साइड पहला फंदा ऐसे पर्ल वाइज डालेंगे और अगले 26 फंदों को हम सीधा बनाएंगे। और अब बीच में 10 फंदे से 20 फंदा किया हुआ ये फंदा है यानी, तो इसे हम उल्टा बुनेंगे। जो 10 से 20 फंदा किया गया है उसे हम उल्टा बुनेंगे। और ये 20 फंदा उल्टा बुन लिया गया है और अब शेष सभी फंदे सीधे बुने जाएंगे। सत्रहवीं लाइन में काले रंग के ऊन से सभी फंदे सीधे बना लिए जाएंगे। एक रंग के ऊन से हम चार लाइन बना रहे हैं। रॉन्ग साइड से हम 16वीं लाइन की तरह बुनेंगे, यानी किनारे किनारे के 27 फंदे सीधे और बीच के 20 फंदे उल्टे बनाएंगे। किनारे किनारे के 27 फंदे सीधे और बीच के ये फंदे जो हैं वो उल्टे बनाए जाएंगे। बीच के 20 फंदे उल्टे और किनारे किनारे के फंदे सीधे।
और अब अगला चार लाइन अपने मेन कलर से हम प्लेन बनाएंगे, यानी आगे से सभी फंदे सीधे और पीछे से सभी फंदे उल्टे। चार लाइन अपने मेन कलर से प्लेन बनाने के बाद अब फिर हम काले रंग के ऊन लगाएंगे और 27 फंदा सीधा बुन लेंगे। सत्ताईस फंदे सीधे बुन लिए गए हैं और अब हमें ये जो 20 फंदे, पहले हमने 1 से 10 किए, फिर 10 से 20 किए और फिर अब इस लाइन में हम इन 20 फंदों को 40 करेंगे। तरीका वही है, एक फंदा सीधा बुना और फिर इसी फंदे को बिना गिराए पीछे से सीधा बुन लिया, 1 से 2 हो गया। इसी तरह अगला फंदा लेंगे, सीधा बुनेंगे और फिर इसे बिना गिराए इसी फंदे में पीछे से सिलाई डाल के एक और सीधा फंदा बना लेंगे। इस तरह हम बीच के 20 फंदों को 40 कर लेंगे। बीस फंदों से 40 फंदे कर लिए गए हैं और अब ये किनारे के 27 फंदे बचे हैं तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। चौबीसवीं लाइन और रॉन्ग साइड किनारे के 27 फंदों को सीधा बुनेंगे। दोनों साइड के 27-27 फंदों को हम सीधा बुनेंगे और बीच के 40 फंदे को उल्टा बुनेंगे। सत्ताईस फंदों को सीधा बुन लिया, अब बीच के 40 फंदे को उल्टा बुनेंगे। बीच के 40 फंदे उल्टे बना लिए गए हैं और अब किनारे के 27 फंदे सीधे। पच्चीसवीं लाइन में काले रंग के ऊन से ही सभी फंदे सीधे बना लिए जाएंगे। छब्बीसवीं लाइन और रॉन्ग साइड 26वां लाइन 24वीं लाइन की तरह बनाया जाएगा, यानी किनारे के 27-27 फंदे सीधे और बीच के 40 फंदे उल्टे। अब काले रंग से हमें कोई काम नहीं है तो इसे हम काट देंगे और अब चार लाइन अपने मेन रंग से हम चार लाइन प्लेन बनाएंगे, यानी आगे से सभी फंदे सीधे और पीछे से सभी फंदे उल्टे। देखिए फ्रेंड्स, ये 27 फंदे, ये चार लाइन बुन के तैयार हो गया है और अब हम 27 फंदे किनारे के और बीच के 20 फंदे यानी 47 फंदे हम सीधा बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 47 फंदे सीधे बना लिए गए हैं और अब हम इधर न जाके वापस इधर से ही लौट जाएंगे और इन फंदों को वापस हम सीधा बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आगे से भी सीधा और पीछे से भी सीधा बुनने से उल्टे फंदों की एक धारी आ गई है। इसी तरह हमें 8 धारियां लानी है, तो 8 धारियां बुनने के लिए हमें 16 लाइन बनाना होगा। 2 लाइन बन गया है और हमें और 14 लाइन और बुनना होगा, आगे से भी सीधा और पीछे
पीछे से भी सीधा। आठ धारियां बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये सात धारियां कंप्लीट हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमारा ये 15वां लाइन कंप्लीट हो गया है। और इधर से 16वां लाइन रहेगा और हम जब सीधा बुनेंगे तो ये 8वां धारी बन के तैयार हो जाएगा। तो 16वें लाइन में हम चार फंदा घटा देंगे, दो फंदा बुनेंगे और पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चढ़ा देंगे, एक, ये दो, तीन और चार फंदा हमने घटा दिया है और बाकी फंदे हम सीधा बुन लेंगे। फोर्टी सेवन फंदों में से चार फंदा घट जाने से अब हमारे पास 43 फंदे रह गए हैं और ये 17वीं लाइन है और हमें टोटल ऐसे 10 धारियां बनानी हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये 10 धारियां कंप्लीट हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और अब ये 21वां लाइन है। देखिए फ्रेंड, ये 21वीं लाइन कंप्लीट हो गई और हम बीच में आ गए हैं और हमें ऐसे ही इधर का भी हिस्सा बना लेना है। 8वें लाइन में हम इधर घटाएंगे चार फंदा। देखिए फ्रेंड्स, दूसरी तरफ भी 8 लाइन बन गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और अब हम यहाँ अंदर की तरफ, अब यहाँ पे हम चार फंदे घटाएंगे। एक, दो, तीन और ये चार, यहाँ पे हमारा उंगलियाँ बनेंगी और फिर बाकी सारे फंदे सीधे बना लेंगे। और आगे और पीछे दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए हम यहाँ पे 10 लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो 10 लाइन बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब इस समय दोनों तरफ 10-10 लाइन कंप्लीट हो गई है। तो अब क्या करेंगे कि हम 10-10 फंदे दोनों ओर से घटा देंगे, एक, दो। देखिए फ्रेंड, इस साइड में 10 फंदे घटा दिए गए हैं, अब हमें इस तरफ भी 10 फंदे घटाने होंगे। देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ 10-10 फंदे घट गए हैं और अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इस समय सीधा वाला पोर्शन जो है वो अंदर की तरफ है और अब इन दोनों धागों को आपस में बांध लेंगे और अब दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदे लेंगे और उल्टा बुन लेंगे, फिर एक एक फंदा लेंगे, उल्टा बुनेंगे। अब दाहिने सिलाई पे दो फंदा हो गया है तो पीछे वाला फंदा उठाएंगे और आगे वाले फंदे पे चढ़ा देंगे। ये हमारे दोनों पार्ट्स जो है वो आपस में जुड़ना शुरू हो गए।
और इसी तरह करके हम सारे फंदे जोड़ लेंगे। सारे फंदे जुड़ गए हैं और अब हमें यहाँ सिलाई करनी है। तो हम सुई में धागा डाल लेंगे और फिर यहाँ सिलाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पीछे सिलाई हो चुकी है और अब हमें आगे वाले पोर्शन को ऐसे फैलाना है और हमें यहाँ सिलाई करनी होगी। ये तो हम और दूसरी तरफ भी ये जो चार फंदे हम घटाए हैं यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। और बीच तक आएंगे और अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये हमारा जूता तैयार है, अंगूठे वाला जूता। ये 5, 6 और 7 नंबर में आराम से ये हो जाएगा। दोनों पैर एक जैसा ही बनेगा, तो बनाने में आसान और जल्दी बनके तैयार होने वाला ये जूता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये जूता अच्छा लगा हो तो आप भी इसे अपने लिए बनाइए। इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।